आपने तो मुझे ड्राई फ्रूट जो है ना, स्टार्टर में ड्राई फ्रूट आपने खिलाया, मेन कोर्स में आपने खिलाया, एंड भी आप ड्राई फ्रूट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल भास्कर निकिता व्लॉग। तो आज हम आए हैं कहाँ पर भास्कर, बताइए सबको कहाँ पर। प्योर वेज रेस्टोरेंट बेल पेपर्स। वैसे तो हम वेजिटेरियन ही हैं, वेजिटेरियन खाना ही टेस्ट करते हैं, लेकिन आज हम आपको लेके हैं प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वो है बेल पेपर्स, वन ऑफ द फेमस बेल पेपर, वन ऑफ द फेमस वेज रेस्टोरेंट इन अशोक विहार। इट्स अ मस्ट ट्राई। बाकी अंदर जाके देखते हैं, खा के बताते हैं कि मस्ट ट्राई है कि नहीं। हमने तो सुना है मस्ट ट्राई है, बाकी हम अंदर जाके बताते हैं। तो आओ चले। डेकोर बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं ऊपर जाते हैं, हमने लिफ्ट नहीं प्रेफर करी, हमें कहा था कि सीढ़ियों से जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि डेकोर कैसा है। फर्स्ट फ्लोर है, ये पार्टी हॉल पार्टी के एरिया है। सीढ़ियां चढ़ के एट लास्ट हम अपने सेकंड फ्लोर पे आ गए। चलो अंदर आए, खाना खाते हैं। सैनिटाइजेशन में यहाँ पूरा ख्याल रखा जा रहा है, आते ही हमें हैंड सैनिटाइज कराए। ये हमारे रोहित जी हैं, इनका नाम हमने बहुत सुना है, आज देखते हैं रोहित जी हमें क्या खिला। नमस्कार जी। आते ही पापड़ और चटनी मिल जाए, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या है। तो शुरुआत की हमने कॉम्प्लीमेंट्री पापड़ और चटनी से, आगे आगे देखते हैं क्या क्या खाने को मिलता है। जी पापड़ तो आपने हमें खिला दिए जी सर। आप और बताइए बेल पेपर्स के बारे में, कितना टाइम हो गया बेल पेपर्स को। सर बेल पेपर को खुले हुए तक 20 साल हो चुके हैं। अच्छा, 20 साल से। और इस पहले हमारा आउट रोड में था, साइड में था। अच्छा, जो मेन रोड पे दिखता था। हाँ, पहले पीछे था, सत्यवती कॉलेज जो मेन रोड पे था। और यहाँ पे आए हुए 7 साल हो गए, वहाँ पे हम 13 साल पहले वहाँ पे थे। अच्छा, 13 ईयर्स पिछले साल। और यहाँ पे आए हुए 7 साल हो गए, 20 साल हो गए। टोटल 20 साल हो चुके हैं। क्या बात, बताइए हमें क्या खिलाएंगे आप। स्टार्टर में जो बेस्ट आइटम बताता हूँ आपको मैं, बताइए। इसमें आपका क्रिस्पी कॉर्न। अच्छा, क्रिस्पी कॉर्न हो गया, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर। तवा का दही कबाब, ठीक है। मक्की मलाई कबाब, राइट। सबसे अच्छी आइटम्स हैं। और इसमें तंदूरी प्लेटर भी है। तंदूरी प्लेटर भी जी है। लेकिन आज मैं आपका खाने का मजा लेना चाहता हूँ, तो स्टार्टर में आप मेरे लिए तवा दही के कबाब लगवाओ, साथ में सूप हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा। सूप भी पिलाऊंगा आपको, तवा का दही कबाब। आपने तवा का दही कबाब 10 में से बहुत अच्छा चूज किया आपने। अच्छा, आपने हमारी चॉइस पे लाइक करा, आप भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जैसे रोहित जी हमारी चॉइस को लाइक कर रहे हैं, आप हमें लाइक करिएगा। आ गया है हमारा बहुत ही टेस्टी वेज क्लियर सूप, तो मैं इसको करने वाली हूँ टेस्ट। गरम तो नहीं है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत टेस्टी। और ये आप देख सकते हैं कितनी फुल ऑफ वेजिटेबल्स हैं, तो हमारा आज का खाना बहुत ही हेल्दी होने वाला है। दही के कबाब चटनी के बिना तो अधूरे हैं। चटनी हमने डाल ली है, दही के कबाब देखते हैं दही के कबाब कैसे दिखने में। तो जो रेडिश होना चाहिए, फ्राइड बहुत अच्छे हो रखे हैं, काफी क्रिस्पी लग रहे हैं। खोल के देखते हैं, दही देखो कितना बढ़िया लग रहा। दही दही के साथ साथ इसमें क्या है ये देखिए, मिल गया हमें अपनी सेहत का राज, काजू। अरे वाह, मजा आ गया। अब हम दही के कबाब टेस्ट कर रहे थे, रोहित जी से पूछते कि ये तो दही के कबाब है, काजू हमने देख लिया अलग बना रहा है इसको, बाकी और चीज से अलग बनाते हैं ये रोहित जी बताएंगे, तब तक मैं थोड़ा सा पेट पूजा करूँ। तो आप बताइए रोहित जी, इसमें क्या क्या कैसे बने हैं दही के कबाब। ये मैं ये जो इसको हैंकर्ड है, इसको मतलब पूरे दही को छानने के बाद में अच्छा पूरा पानी निकल जाता है, राइट। दही जब बन जाते हैं ना, उस दही को मैश किया जाता है, इसके अंदर में हल्की चीनी डालते हैं, मीठापन लाके और ड्राई फ्रूट डालते हैं इसके अंदर। तो ये जो और ब्रेड क्रम्स, अच्छा इसको टिक्की बनाने के बाद ब्रेड क्रम्स से इसको डिप किया जाता है, काफी टाइप डीप फ्राई होती है इसलिए ये क्रिस्पी बनाता है। आप बताई जा रहे हैं और मैं खाई जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रुक नहीं पा रहा, इतना जो कहते हैं ना मुंह में जाते ही मेल्ट हो रहा है। जी हाँ, इसी का तरह बिल्कुल सॉफ्ट चीज होती है, प्योर दही का बना हुआ है। तो हमारे व्यूअर्स को इसकी रेसिपी भी मिल गई, क्या बात है। देखो क्या क्या खाते हैं, ये देखो ये हमारा आया है मलाई कोफ्ता,
शाही मलाई कोफ्ता, शाही मलाई कोफ्ता, खंदारी नान, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ बेल पेपर्स, खंदारी नान। अभी खा के बताऊंगा, स्टफिंग दिखाऊंगा क्या क्या, पहले आपको दिखा दें क्या क्या, दाल मखनी, बटर, क्रीम वाली, क्रीम वाली, अमूल बटर के साथ, अमूल बटर और क्रीम वाली। ये आ गई हमारी मारवाड़ी चाप, वेज, वेज लोगों का चिकन जो है ना, इससे बढ़िया कॉम्बो नहीं है। चलो अब खाना खा के बताते हैं आपको कैसा है। तो लग गई है हमारी प्लेट, आप खंदारी नान मैंने आपको कहा था स्पेशल है, आप बता दो क्या स्पेशल है। नान तो हमने हर जगह खाया है, पहले तो बटरी नान है, देसी घी लगा हुआ है, बटर लगा है, वो खा के बताऊंगा क्या है चीज़ है। अब इसकी स्टफिंग देखिए, अनार इसमें है, देखने में पता लगा काजू से भरा हुआ है, अनार से भरा हुआ है, बादाम से भरा हुआ है, किशमिश इसमें दिख रही है। अब रुका नहीं जा रहा, देखते ही देखते भूख जो है ना इतनी बढ़ गई है कि चलो खा के बताता हूँ। तो ये ले लिया हमने ये खंदारी नान, साथ में दाल मखनी, नान और दाल मखनी, थोड़ी सी चटनी प्याज और कैसा लगा नान? इतना हैवी और इतना बढ़िया कि दाल जो है हमारी थोड़ी सी तीखी है, तीखी के साथ मीठे का जो कॉम्बिनेशन आया ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया। अब हम अपना जो है मलाई कोफ्ता ट्राई करते हैं, मलाई कोफ्ता नहीं, जब मीठे के सामने तीखी की बात की तो मारवाड़ी चाप देखते कैसा होगा, कैसी होगी। चाप एकदम सॉफ्ट जैसी होनी चाहिए, मसाले एकदम ठीक ऑन दी पॉइंट, थोड़ा सा नमक एकदम ओके, मसाला ओके, ओवरऑल चाप भी बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल मारवाड़ी स्टाइल में ही बनी है, मारवाड़ी स्टाइल में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आने की बिल्कुल। कैसा लगा मलाई कोफ्ता? बटरी और खास, बहुत बढ़िया स्वाद आ गया। अब फोटो बन करके वीडियो में मैं आपको सही बताऊं, खाना तो मज़ेदार था ही था, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो रोहित जी हैं, जिन्होंने जितने प्यार से हमें खिलाया, मैं बताऊं रोहित जी खाने में आपने चार चांद लगाए, और ये सच्ची बात कह रहा हूँ जी, मज़ा आ गया। खिलाने वाले से खाने वाला अच्छा खुश हो ना, तो खिलाने वाला बहुत ज्यादा खुशी होती है। और अब आपने खिला दी बढ़िया सी कुल्फी, तिल्ली वाली कुल्फी है, तिल्ली वाली कुल्फी है, इसमें है अपना क्या कहे ड्राई फ्रूट्स, आपने तो मुझे ड्राई फ्रूट जो है ना स्टार्टर में ड्राई फ्रूट आपने खिलाए, मेन कोर्स में आपने खिलाया, एंड भी आप ड्राई फ्रूट, तो आज आप मेरे को लगता है खाने के साथ साथ ना हमारी सेहत पे भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो हमने तो पेट पूजा कर ली है, उसके बाद मीठे का पूरा आनंद ले लिया है। आप भी बेल पेपर्स में आके अच्छे खाने का, अच्छे जायके का आनंद उठा सकते हैं, अच्छे व्यवहार का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल अपने वाला प्यार के साथ खाना परोसा जाएगा, जो आपके खाने में चार चांद लगा देगा। तो बाकी आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आपको तुरंत उसको देखने का मौका मिल सके।